प्रदेश फोक मीडिया एसोसिएशन ने उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा है। प्रदेश फोक इंडिया एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेश जसवाल और मीडिया प्रभारी निशांत गिल ने बताया कि कोरोना महामारी के बारे में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से लोगों को जागरूक किया जा रहा है। उसी तरह फोक मीडिया के कलाकारों के माध्यम से भी कोरोना महामारी को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाना चाहिए, जिससे लोगों को कोरोना महामारी और सरकार की कल्याणकारी नीतियों के बारे में जागरूकता मिल सके। निदेशालय सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में हर 2 साल बाद इन दलों की स्क्रीनिंग की जाती है, जबकि इतना रोजगार 2 सालों में नहीं मिल पाता है जितना खर्च एक स्क्रीनिंग पर होता है। उन्होंने स्क्रीनिंग को कम से कम 5 साल के लिए मान्य करने की मांग भी की। आज हम लोग यहाँ स्टेट फोक मीडिया स्टेट एसोसिएशन की तरफ से डीसी साहब को हम एक ज्ञापन देने आए हैं, जो कि सीएम साहब के लिए हमने देना है। उसमें हम लोगों ने ये गुजारिश की है सरकार से, क्योंकि कोरोना महामारी के संकट काल में जहाँ हर वर्ग को काफ़ी फर्क पड़ा है, वहीं जो हमारे कलाकार हैं उनकी दशा इस समय बिल्कुल दयनीय हो गई है। और लगभग 8 महीने से जो है सारे कलाकार घर पे जो है वो बेरोजगार बैठे हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि अगर सरकार एक कोरोना अवेयरनेस के लिए जिस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंटिंग मीडिया के माध्यम से अवेयरनेस कर रही है, अगर वो फोक मीडिया के कलाकारों के माध्यम से भी अवेयरनेस करे तो एक तो अवेयरनेस भी होगी कोरोना महामारी के बारे में, और साथ ही जो घर में बेरोजगार कलाकार बैठे हैं, क्योंकि इसमें लगभग पूरे हिमाचल प्रदेश में 60 से लेकर 65 ग्रुप हैं जिनमें लगभग 700 कलाकार काम कर रहे हैं, और उनके साथ 4000 लोगों का पेट जो है वो जुड़ा है, जो कि इसी रोजी रोटी पर निर्भर करते हैं। तो हमारा यही निवेदन है हमारी हिमाचल प्रदेश सरकार से कि वो हमारे बारे में कुछ सोचे और एक ऐसा कोरोना महामारी के लिए एक ऐसा प्रचार अभियान चलाए जो फोक मीडिया के माध्यम से हो, रोजगार भी मिले कलाकारों को और कोरोना महामारी की अवेयरनेस भी। आपको बता दें कि प्रदेश में इस समय लगभग 60 फोक मीडिया के दल हैं, जो कि निदेशालय सूचना एवं जनसंपर्क विभाग में एक श्रेणी के हैं। पिछले कई सालों से ये दल प्रचार और प्रसार का काम भी कर रहे हैं। प्रचार चाहे सरकार की उपलब्धियों का हो या फिर किसी अन्य विभागीय गतिविधियों का, इन कलाकारों की भूमिका बेहतर रहती है। लेकिन इन दिनों लोगों को जागरूक करने वाले ये कलाकार अपने परिवार के पोषण तक में खुद को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। इसी कड़ी में इन्होंने उपायुक्त के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा है।